यहाँ से हम चलते हैं जेएनयू की सैर करेंगे आज, और आप लोगों को बताऊंगा कि जेएनयू की क्या खूबसूरती है और कौन से जंगल में जेएनयू बसा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एसएल के करीब है, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे और आपको जेएनयू के जो सारे सेंटर हैं उसको मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो धीरे धीरे हम यहाँ से देखिए जंगल का हसीन नज़ारा वगैरह भी है, यहाँ पे नीलगाय मिल जाएगा आपको, यहाँ पे पीकॉक मिल जाएंगे, खरगोश वगैरह भी मिलते हैं। आज छुट्टी है तो इस वजह से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट नहीं मिल पाएंगे। बिल्डिंग आपको अच्छे से ना बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है, यहाँ पे नीचे में गाड़ियों का इंतज़ाम है और बिल्डिंग देख लीजिए आपको कितनी अच्छी है। अभी आपको यहाँ पे बताया जैसे कि मैं छुट्टी है तो इस वजह से ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ गाड़ी वगैरह मिल पाएंगे आपको, ठीक है। मैं आपको इसके अंदर से लेकर जाता हूँ जहाँ पे पूरा गाड़ियों के रखने का इंतज़ाम किया। देखिए कितनी सारी गाड़ी है, अच्छी पार्किंग का इंतज़ाम है, बेहतरीन खूबसूरत ये कैंपस है। जब भी मौका मिले हर समय इसका आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और इधर SL2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये भी बिल्डिंग उसी टाइप की है, ये पार्किंग है, बाइक पार्किंग। और ये देखिए यहाँ पे नीचे आपको पार्किंग और इस टाइप से पोस्टर वगैरह यहाँ पे जेएनयू की बिल्डिंग में हर तरह के पोस्टर वगैरह मिल जाएंगे। तो ये सारे पोस्टर जो हैं ये पार्टियाँ जो होती हैं वो लगाती हैं, वहाँ पे वो ईसाइयों का पोस्टर लगा हुआ है, पार्टियाँ लगाती हैं ताकि वो अपने आइडियोलॉजी को बता सकें। तो इस तरह की एक बेहतरीन चीज़ होती है जो हमारे को यहाँ पे जेएनयू में मिल जाएगी। तो दूसरा ये बादशाह का, बादशाह ने लगाया अपने ये किताबों के ऊपर एक बंदर को बैठा दिया है और उसके आँख पे पट्टी लगा दी है, और टाइम बंदी लगा दिया है और पूछ रहे हैं कि सर लगा दिया है। तो ये देखिए फिर पता चलता है कि किस तरह से आइडियोलॉजी सोशल और सामाजिक पर्सपेक्टिव से इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आगे देखिए अभी आगे चलिए और SL2 को देखते हैं। SL2 के अंदर निकलते हुए धीरे धीरे ये देखिए ये पार्किंग एरिया है, लाइब्रेरी भी रखते हैं यहाँ पे ताकि क्लास आवर में पढ़ाई भी की जा सके। ये देखिए आज पूरा खाली है क्योंकि आज छुट्टी है। आपको अगर मैं इधर थोड़ा क्लोज करके ले जाऊं तो यहाँ पे अंदर देख सकते हो कुछ लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा एरिया है, लगभग 50-60 लोग आराम से बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं। ये अब आइए इधर से जेएनयू जिसके लिए मशहूर है जंगल पहाड़ और इन सारी चीज़ों के लिए, तो उसके तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे यहाँ पे आपको 2-3 गार्ड्स मिल जाएंगे। और यह जो बिल्डिंग है बड़ी, हेलो सर क्या हाल है, ये हमारे गार्ड साहब थे अच्छे। और देखिए ये कितना बेहतरीन यहाँ पे आपको ये आपको बता दें कि पार्क है, पार्क टाइप का खूबसूरत बिल्डिंग वगैरह बना के ये इसका जो सीन है आपको बेहतरीन लगेगा। दो बिल्डिंग जेएनयू के दो स्कूल सेंटर जो भी कर ले उसको मैंने दिखा दिया, और जंगलों के बीच में किस तरह से ये बसा हुआ है। जब ये क्लासेस स्टार्ट होती है तो उस वक्त जब आप इसको देखें तो इसकी खूबसूरती और